इस क्वेश्चन में हमें एफ एक टू वेरिएबल फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर टू है। एंड डिफाइन किया गया है इस तरह से, पी इक्वल्स टू डेल टू एफ डेल एक्स टू एट जीरो कॉमा पॉइंट जीरो कॉमा जीरो पॉइंट पे एंड क्यू इक्वल्स टू डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई एट जीरो कॉमा जीरो पॉइंट पे, आर इक्वल्स टू डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स एट जीरो कॉमा जीरो पॉइंट पे एंड एस इक्वल्स टू डेल टू एफ डेल वाई टू एट जीरो कॉमा जीरो पॉइंट पे, देन पी इंटू एस माइनस यू इंटू आर ग्रेटर देन जीरो होगा एंड पी ग्रेटर देन जीरो होगा या नहीं वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम डेल एफ डेल एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो डेल एफ हमें दिया गया है ये, तो डेल एफ डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इसे जब हम एक्स का इसमें पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, इसे जब डेरिवेटिव जब करेंगे तो होगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसे जब हम डेरिवेटिव करेंगे, वन को करेंगे तो होगा जीरो, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो होगा टू एक्स एंड वाई स्क्वायर को करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं इसलिए। ओके अच्छा, अब जब डेल टू एफ डेल एक्स टू करेंगे तो क्या होगा, दिस इक्वल्स टू यू वाई भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर एंड वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 2x को जब डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 2 इंटू वन माइनस, अब 2x को छोड़ दो, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब डेरिवेटिव करेंगे, जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 2x, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो होगा 2x, वाई स्क्वायर को करेंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू यहाँ 1 इंटू टू होगा 2, अब प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू टू 4 एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू यहाँ से हम टू को कॉमन ले सकते हैं तो होगा वन प्लस, देखो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमने टू को कॉमन लिया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ओके अच्छा, तो अब क्या फाइंड करना है, अब हमें और एक चीज़ फाइंड करना है, हमें फाइंड करना होगा डेल एफ डेल टू एफ डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स, ये हमें फाइंड करना होगा। ठीक है अच्छा, अब डेल एफ डेल एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा, तो यहाँ पे देखो 2x यहाँ पे कॉन्स्टेंट, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये 2x यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, 2x को आप बाहर ले लो। अब ये इसे जब डेरिवेटिव करेंगे 1 बाई, सपोज ये है 1 बाई वाई, 1 बाई वाई को जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे y क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डेल टू एफ डेल वाई टू ये फाइंड करना है। ठीक है, डेल टू एफ डेल वाई टू, तो डेल टू एफ डेल वाई टू ये क्या होगा, देखो डेल टू एफ डेल एक्स टू की तरह ही ये भी सेम ही होगा, टू इन टू आप चेक करके देख सकते हो, वन यहाँ पे प्लस माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर एंड डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई हमें देखना है, ये भी इसकी तरह सेम ही हो जाएगा, टू एक्स टू एक्स है तो इसलिए यहाँ पे टू वाई हो जाएगा एंड एक माइनस आगे आएगा एंड डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें पी क्यू आर एस फाइंड करना है, कैसे करेंगे, डेल टू एफ डेल एक्स टू के जगह यहाँ पे एक्स के जगह जीरो एंड वाई के जगह जीरो पुट करेंगे, क्योंकि जीरो कॉमा जीरो पॉइंट पे फाइंड करना होगा। ठीक है अच्छा, तो एस इक्वल्स टू है डेल टू एफ डेल एक्स टू एट जीरो कॉमा जीरो पॉइंट पे, तो दिस इक्वल्स टू यहाँ पे आप x के जगह जीरो एंड y के जगह जब जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा जीरो एंड ये हो जाएगा जीरो, तो टू इंटू वन ये होगा टू एंड डिनोमिनेटर पे होगा वन स्क्वायर मीन्स वन। अच्छा तो s हम सॉरी ये s नहीं है, ये है p,
ओके अच्छा पी, अब क्यू, क्यू क्या होगा, क्यू है डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई एट 0.0 पॉइंट पे। अब डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई, यहाँ पे आप जब आप y की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स, यहाँ पे जब आप x के जगह डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स, यहाँ पे जब आप x के जगह 0 एंड y के जगह 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू 0 होगा। एंड ये क्या है, ये है r। अच्छा अब हमें देखना है डेल टू एफ डेल वाई टू एट 0.0 पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे जब आप जब हम x एंड y की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 ये 0 हो जाएगा तो होगा 2। एंड डेल टू एफ डेल वाई टू ये क्या है, ये है s। तो p भी 2 है, s भी 2 है एंड q r ये दोनों 0 है, ठीक है। अच्छा तो देखते हैं p इंटू एस माइनस क्यू इंटू आर इसका वैल्यू क्या होगा। p p p है 2, s है 2 माइनस q, q है 0 r है 0, तो पी एस माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 4 आ रहा है, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब p क्या है, p इक्वल्स टू है 2, ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो पी एस माइनस क्यू आर ग्रेटर देन 0 है एंड p है ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है पी एस माइनस क्यू आर ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो पी ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो ये ऑप्शन करेक्ट है।